यूपी की फरुखाबाद पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चोरी करने वाले शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि थाना राजेपुर में सर्राफ सुनील सोनी की दुकान से चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया था। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण की जांच शुरू की, जिसके बाद जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मऊ दरवाजा के ग्राम रिहा निवासी मारकंडे को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारकंडे ने दो अन्य साथियों के सहयोग से सुनील की दुकान से 4 किलो चांदी के जेवरात चुराए थे। वहीं गिरफ्तारी के दौरान मारकंडे के पास से करीब 1.5 किलो वजनी चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। अन्य जेवरात उसके साथियों के पास होने की बात आरोपी ने कबूली है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान उसकी मुलाकात अन्य दो आरोपियों से हुई थी, जिसके बाद सभी ने मिलकर दुकान को लूटने का प्लान बनाया था। वहीं दिनेश नाम के व्यक्ति ने लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने के लिए रेकी की थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले से पर्दाफाश कर दिया है। सामान चोरी हुआ था, क्योंकि इसके पहले भी राजेपुर में ही एक और चोरी हुई थी भारी दुकान से, उसका अनावरण नहीं हो पाया था तो संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ गई थी, तो इसीलिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्वाट और सर्विलांस को भी लगाया गया था। तो काफ़ी पता रसी सुराग रसी के बाद में आज एक अभियुक्त है, ये मारकंडे शर्मा पुत्र राम सेवक शर्मा, ये रेहा थाना मऊ दरवाजा के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। फरुखाबाद से वरुण दुबे की रिपोर्ट।